हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिकान टेक पर। दोस्तों आज बड़े हम बात कर रहे हैं किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अब जो है आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि दोस्तों कि किसान सम्मान निधि योजना किस राज्य में सबसे आगे है और कौन सा राज्य इसका फ़ायदा उठाने में, किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा उठाने में सबसे आगे है, कौन सा राज्य है जिसे घोषित कर दिया गया है सबसे आगे। तो चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं कि कौन सा राज्य है, और बन रहे वीडियो में लगातार दोस्तों ताकि आपको मैं सरकारी योजनाओं से जुड़े वीडियो इसी तरीके से पहुंचाता रहूं। तो यहां से देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो है सरकार द्वारा यहां देख सकते हैं पीएम किसान का लाभ लेने में राज्य नंबर वन है। आप यहां देख सकते हैं ये राज्य नंबर वन और किसानों को मिल रहा है फ़ायदा। तो देखिए दोस्तों पूरी पूरी जानकारी आपको दूँगा। तो दोस्तों बात करते हैं, देखिए पीएम किसान का जो है फ़ायदा उठाने में सबसे अग्रिम राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, और इस योजना में यहाँ 2.17 करोड़ किसान जुड़ चुके हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सबसे प्रथम में जो है उत्तर प्रदेश जो है इस योजना का लाभ उठाने में आगे है। और यहाँ देखिए दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश योजना का सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाला राज्य है। यहाँ अब तक पीएम किसान से कुल जो है 2,17,76,351 किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो यहीं पे बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारा, तो दूसरे नंबर पर जो है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में कुल अब तक जो है दोस्तों 97,20,823 किसान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो यहीं पे बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे राजस्थान है दोस्तों, और राजस्थान में कुल अब तक जो है 63,82,829 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने में। तो यहाँ से मध्य प्रदेश में कुल अब तक जो है 63,03,663 किसानों ने इसमें अपना पंजीकरण कराया है और अपना जो है फ़ायदा उठा रहे हैं 2,000 रुपये की किस्त का। तो बात करते हैं दोस्तों पाँचवें नंबर पर बिहार है, तो बिहार जो है इस योजना में अभी काफ़ी पीछे, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 62,83,843 किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं यहाँ पे पाँचवें नंबर पर बिहार दोस्तों। तो बात करते हैं अन्य राज्य जिन्होंने 50 लाख से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वहाँ में गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में यह सुना है क्योंकि यहाँ पर जो है लागू ही नहीं किया गया, ये छोटा राज्य होने के नाते यहाँ देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ इस योजना को लागू नहीं किया गया। वहीं सिक्किम, लक्षद्वीप, गोवा, दमन और दीव और चंडीगढ़ जैसे छोटे राज्यों में रजिस्ट्रेशन की संख्या 10,000 से भी कम है। दिल्ली में योजना से 231,000 किसान जुड़ चुके हैं। तो कैसे चेक करेंगे आप अपना लिस्ट में नाम, तो देखिए दोस्तों लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि pmkisan.gov.in पर जाना है, और यहाँ पे जो, चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। तो देखिए दोस्तों इसे हमें कर लेना है सिलेक्ट यहाँ से, और इस पर हम कर देते हैं सर्च, और आपको सर्च करके दिखाने कि आप इसका नाम जो है लिस्ट में है कि नहीं, कैसे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये छोटी सी जानकारी है दोस्तों कि कौन सा राज्य जो है ये पीएम किसान का फ़ायदा उठाने में आ गया। तो देखिए दोस्तों पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे फार्मर का ऑप्शन कॉर्नर का ऑप्शन मिलेगा, फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो इस पर हमें कर देना है क्लिक, और उसके बाद इसे हम ऊपर आएंगे तो यहाँ बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक कर देना है। तो बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक कर देंगे जब आप दोस्तों, तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके से आपको ज़िला और अपना राज्य सिलेक्ट करने के लिए आएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है लिस्ट ओपन होकर के आएगा। लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए दोस्तों कहना क्या है कि आप जिस भी राज्य से हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिए, अपने राज्य का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद ब्लॉक अपना सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आपका गाँव सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से देखिए दोस्तों आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है, तो आपका वहाँ पर गाँव का लिस्ट ओपन हो जाएगा और आप उस लिस्ट में अपना नाम खोज सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए मैंने बनाई दोस्तों। तो आशा करते दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद है प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।